मैं सबसे पहले ये बताइए कि ये जो ड्रेस आपने पहनी है अंदर एंट्री करने के लिए या फिर किसी गाने को परफॉर्म करने के लिए? आपको तो पता है जो बिग बॉस में जब एंट्री करते हैं तो जो भी जिनका जैसा भी इमेज होता है वो सेंसुअल या सेक्सी या ग्लैमरस हो, तो मुझे लगता है मेरे इमेज के साथ ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ड्रेस, तो हमारे डिज़ाइनर जो हैं उन्होंने ये बनाया है हमारे लिए, एंड आई थिंक विद द एंट्री विल बी अ फुल मकाम। तो आपको लग रहा है कि आपका ये बैकलेस ड्रेस लोगों को घर के अंदर स्पीचलेस छोड़ने वाला है? आपको स्पीचलेस हो? हाँ मैं हुआ हूँ, शायद फिर दर्शन भी होना चाहेंगे, एक बार आप दिखा दें ये ड्रेस। मुझे लग रहा है कि अगर आप स्पीचलेस हुए हैं तो शायद उनके साथ भी ऐसा होगा। एक बात होती है कि जब आप एक ग्लैमरस ड्रेस पहनते हैं तो आप उसको कैरी भी अगर कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। कोई लोग जब जो यू नो सेक्सी कपड़े या ग्लैमरस कपड़े पहनते हैं तो वो उसको क्लासी तरीके से नहीं कैरी करते हैं, तो एक स्टाइल भी होता है पहनने का। और जी हम ग्लैमर इंडस्ट्री में काम करते हैं तो कई बार हमें ऐसे ग्लैमर और सेक्सी कपड़े पहनने पड़ते हैं। पहली बार जब मैं बस में आई थी तो हर चीज स्टैंड लिया था आपने और काफी लोगों की बोलती भी बंद कर दी थी। इस बार जो है अंदर आप जाने वाली है और आपके साथ में चुन चुन कर उन लोगों को लाया गया है जो बोलती बंद करके रहे सबकी, और फिर अर्पित आने में सबसे आगे रहे, तो इस बार क्या लगता है मुकाबला खड़ा होगा? मुझे मैं हमेशा ये मानती हूँ कि जो भी आप गेम खेलते हो, रही चेस या कार्ड्स या बिग बॉस का जो भी गेम होता है, अगर उसमें जो भी कंपटीशन होता है, जो भी कंटेस्टेंट्स होते हैं, अगर वो हेल्दी कंपटीशन अगर आप उसको मानते हैं तो जो खेल रहे होते हैं उनके लिए और भी बेहतर होता है, क्योंकि जो खिलाड़ी होता है वो और भी शार्प हो जाता है और मज़ा आता है कि जब आप उनके साथ खेलते हो जिनको ये गेम पता है। और रही बात जो है लोग अभी अंदर हैं, वो इतने महीनों से वहाँ अंदर है तो वो अच्छी तरह से गेम समझ चुके हैं। हम भी बिग बॉस फाइनल में जब थे और जो दूसरे कंटेस्टेंट्स हैं जो दूसरे सीजन्स में थे वो भी ये गेम अच्छी तरह से समझते हैं, तो मज़ा और भी आएगा। कई बार जब आप जैसे हमने जब शुरुआत में बिग बॉस सीजन 5 में जब मैं आए थे तो थोड़ा वक्त लगा था इन्हों गेम समझने में, तो इस बार जब दूसरे लोग भी हैं जो मतलब ये गेम जो है जो वो लोग बोलते हैं जिनकी वॉइस होती है या उनके लिए गेम है, तो मुझे लगता है और भी मज़ा आएगा। आपको क्या लगता है कि आपको बिग बॉस के अंदर घर में क्यों बुलाया? मुझे लगता ये है कि ज़्यादातर जो मुझे रिस्पॉन्स भी मिला जब मैं बाहर आई बिग बॉस से, तो मुझे ये रिस्पॉन्स मिला कि लोग कहते थे कि आप रियल हो, जहाँ आपको स्टैंड लेना है आपने हमेशा वहाँ स्टैंड लिया है, आप हमेशा कह रहे हैं, तो मुझे लगता है मेरे में वो मिक्स शायद है जो लोगों को पसंद आया कि फेयर हूँ, गुस्सा भी आता है, हंसती भी हूँ, सुबह उठ के मॉर्निंग डांस भी करती हूँ, तो वो सब चीज़ें आज मेरे पूरा मसाला जो होता है शायद वो मेरे अंदर है जो लोगों को पसंद आया, इसलिए उन्होंने मुझे वापस बुलाया। सलमान फेवर करते हैं तो जवाब देखिए, वो तो हमेशा जब भी कोई भी चीज़ रहा है, जब भी किसी से लड़की से उन्होंने बात की है तो हमेशा ये पेपर्स में आया कि हाँ साहब उनको फेवर करें, उनको फेवर करें। अभी जैसे मैंने सीज़न में भी कहा था कि लोगों का काम है कहना, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सच हो जाए। रही बात जी हाँ मैंने उनके साथ दो फिल्मों में काम किया तो शायद इसकी वजह से लोगों ने ये सोचा, और कुछ कंटेस्टेंट्स भी थे जो मेरी सीज़न में बाहर जाके उन्होंने ये गेम प्लान बनाया कि अगर हम ऐसे बोलेंगे तो लोग शायद सोचेंगे अच्छा उनको वो फेवर कर रहे हैं, लेकिन हमें भी पता है और जो लोग देख रहे भी हैं उनको भी अच्छी तरह से पता था कि उन्होंने मुझे इसलिए प्यार किया जिस तरीके से मैं हूँ और इस तरीके से मैं वहाँ पर रही हूँ। किसे चैलेंज दे रही हैं और क्या चैलेंज? चैलेंज देखिए, जो भी अभी कंटेस्टेंट्स वहाँ अंदर हैं वो बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, और चैलेंज मैं कोई पर्सनली किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। हर सिचुएशन जो इस घर के अंदर होती है हमेशा हर रोज़ बहुत अलग होती है, कुछ भी हो सकता है कोई भी वक्त पे, तो जैसे मैं कहती हूँ कि अभी ये 3 महीने से वहाँ अंदर है, मुझे लग रहा है कि शायद थोड़े से वो थक गए हैं, तो बेहतर मेरे लिए यही होगा कि मैं जो मेरी पॉजिटिव एनर्जी है मैं अंदर जाके वो बांटूँ और इनमें फिर से यू नो एक वो जान लेके आऊँ, और आप सब जो देख रहे हैं आपके लिए भी और अच्छा एंटरटेनमेंट करूँ, और सिर्फ जो एंटरटेनमेंट लड़ाई झगड़ा अनबन इन सब चीज़ों में सिर्फ नहीं होता है, एक रियलिटी शो है, और रियलिटी शो में सबसे अहम बात और ज़रूरी बात ये होती है कि आप फ्री हो। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पराजी ये होस्ट करें, क्योंकि मैं उनको अच्छी तरह से जानती हूँ, उनके साथ मैंने काम भी किया है, और उनके बारे में मुझे एक चीज़ ये पता है कि जो उनके दिल में होता है या जहन में होता है वो हमेशा यू नो सीधा मुँह पर लोगों को बोलते हैं, और मुझे ये बात उनके बारे में बहुत अच्छी लगती है, और क्योंकि मैं एक लड़की हूँ वो भी मतलब चीज़ की मिल, मुझे अच्छा लग रहा है कि एक अपनी फीमेल ये शो होस्ट करेंगे,
खान साहब ने बहुत अच्छे से ये शो होस्ट किया हुआ है, बहुत मज़ा भी आता है। और कई बार जो लोग देखते हैं उनको एक आदत हो जाती है कि कोई इन्हें एक तरीके से वो शो होस्ट करें, जैसे खान साहब ने इतनी देर से ये शो होस्ट किया है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़े दिन जब जाएंगे तो जो लोग व्यूअर्स देखते रहे हैं उनको फराज जी अगर होस्ट करेंगे उनकी भी उनको आदत लग जाएगी और मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। ओके मुझे लगता है मेरी इमेज के साथ ही काफी अच्छा लगा है ड्रेस, तो हमारे ड्राइवर जो है उन्होंने ये बनाया। हाँ मैं हुआ हूँ, शायद दर्शक भी होना चाहेंगे। एक बार आप दिखा रहे हैं ये उसको क्लासिक तरीके से नहीं कैरी करते हैं, तो एक स्टाइल भी होता है कहने का। और जी हम ग्रामीण एजुकेशन में काम करते हैं, तो कई बार हमें आप जाने वाली है और आपके साथ में चुन चुन के रोल नाम कराया गया है जो बोलती बंद करके रह सकती और टीआरपी लाने में सबसे आगे रहे। इस बार क्या लगता है मुकाबला करा होगा? मुझे मैं हमेशा ये मानती हूँ कि जो भी आप गेम खेलते हो, रही चेस या कार्ड या बिग बॉस का जो भी गेम होता है, अगर उसमें जो भी कॉम्पिटिशन होता है तो जिन्हें अच्छा वो गेम फेवर करें, लेकिन हमें भी पता है और जो लोग चलो अलविदा। थैंक यू सो मच।